सो वी आर कंटिन्यूइंग कोक्लिया, है ना। इट इज द क्वाइल स्ट्रक्चर इन द इंटरनल ईयर, इट इज द सेंसरी स्ट्रक्चर फॉर हियरिंग, यस और नो। तो हम लोगों ने जो कोक्लिया, कोक्लिया में एक पार्ट होती है क्या आपके पास, होती है ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई, होती कि नहीं होती? अरे बोलो क्या होती है? ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई। हाँ, तो यहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई के बारे में। इसमें पहला पॉइंट लिखेगा, पहला पॉइंट क्या लिखेगा, बेसिकली जो हियरिंग के लिए जो मेन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होती है वो क्या होती है, ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड और वी कैन से लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। याद है बेसिल मेम्ब्रेन, अच्छा एंड दिस बेसिलर मेम्ब्रेन कंटेन्स सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स हेयर सेल्स That acts as auditory receptor. Yes or no? Auditory receptors. Is it clear to all of you? अरे बोलो तो। हाँ, ये जो organ of Corti है इनके दोनों तरफ क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, जो कि क्या किसका काम करता है, इन सब हियरिंग को जो आपका साउंड वेव जो भी आता है उनको रिसीव करने का काम करता है, बिल्कुल वैसे जैसे आपने नर्व्स में, नर्व्स के बारे में पढ़ा था। और यहीं पर क्या होती है, कुछ नर्व ब्रांचे होती है जो बहुत सारा जो हेयर सेल आपके पास है इनका बेसल एंड जो होती है ना, जो कि क्लोज कांटेक्ट में रहता है किसके, एफरेंट नर्व के, ये सारा हेयर सेल के बेस बेस मिला के क्या बनाता है, कोक्लियर नर्व बनाता है। और वो कोक्लियर नर्व कहाँ पहुंचता है आपके पास, हियरिंग वाले कॉर्टेक्स में। याद है क्या, देखने के लिए विजुअल कॉर्टेक्स था और हियरिंग के लिए हियरिंग वाला कॉर्टेक्स जो कि ब्रेन का पार्ट है वहां पर जाके, जिनके थ्रू आप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस और एनालाइजेशन आप आवाज को सुन पाते हैं। क्लियर है? ये वाले फर्स्ट व्हाट हैपेंड? हाँ, पेज फर्स्ट 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 पेज। क्लियर है क्या? इसमें लिखना बेसल एंड ऑफ हेयर सेल्स इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट विथ एफरेंट नर्व फाइबर। ए फोर आने वाला ना, दैट कंबाइनली फॉर्म्स दैट फॉर्म्स कॉक्लियर नर्व। कहना याद रखोगे और यहां से जाएगा ब्रेन में, फिर वहां से आपको आफ्टर एनालाइजेशन ये आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर है क्या, आप सुन रहे हो या क्या सराउंडिंग में चल रहा है? क्लियर है क्या? क्लियर। और जो आपके पास हेयर सेल्स हैं, क्या है, हेयर सेल्स है, उनके उनके सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं, छोटे छोटे विलाय होता है, ऐसे विलाय को क्या बोलते हैं, स्टेरियो सीलिया बोलते हैं। आगे ना, हर हेयर सेल के एपिकल वाले मतलब टॉप मोस्ट पार्ट से कुछ प्रोसेस होती है, कुछ आउटग्रोथ होती है, उनको क्या बोलते हैं, इतना लिखा आप लोगों ने, स्टेरियो सीलिया बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या आपको? आगे बढ़ू मैं? हाँ सर। हाँ, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस प्रोसेसेस। आप एक बार वो ईयर वाला डायग्राम दिखा दोगे क्या? तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस कॉल्ड एज स्टेरियोसीलिया देर आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ द हेयर सेल। क्लियर है कि आगे बढ़ूं? हाँ, इन नेक्स्ट लिखना जो हम लोगों ने बात किया था टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या बोला मैंने, सो अबव द रोज ऑफ, अबव द रोज ऑफ हेयर सेल्स जो वहां पर प्रेजेंट थे, मतलब दैट इज ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई, यस और नो, ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई। आगे ना, उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन,
उसको क्या बोलते हैं? इज अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन, सेक्टोरियल मेम्ब्रेन, थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन। बाकी अंदर बहुत कुछ होती है, अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है। इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सेक्टोरियल मेम्ब्रेन, कॉल्ड एज सेक्टोरियल मेम्ब्रेन। आई हैव सम सेंड सम पिक्स इन द ग्रुप, यू कैन नो इट फ्रॉम देयर। वैसे मैं अभी इसको दिखाऊंगा अभी। दैट इज कॉल्ड एज सेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्लियर है? एक नोट डाल के पॉइंट लिख लेना। हियरिंग का मेन क्रेडिट किसको जाएगा? बोलो, मेन क्रेडिट फॉर हियरिंग गोज टू ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई ऑफ हियरिंग गोज टू ऑर्गन ऑफ कोटाई। कोई दिक्कत? बोलो। आगे बढ़ूं? नहीं सर। डू इट फास्ट। कॉन्फिडेंट। वर्किंग ऑफ ईयर में क्या है? जैसे कि हम लोगों ने बात किया था, ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मतलब बैलेंस का भी काम है और क्या काम है? हियरिंग। तो मेन काम क्या है? प्राइमरी फंक्शन क्या बोलो? द प्राइमरी फंक्शन इज टू हियरिंग और बैलेंसिंग। हेलो, फर्स्ट वन इज द इक्विलिब्रियम। सो इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू बैलेंस द बॉडी। स्टेटो एकोस्टिक ऑर्गन ईयर को बोलते हैं। क्लियर है क्या? मतलब बॉडी को बैलेंस करने के लिए ये काम करता है। कौन? ईयर काम करता है। क्लियर है? अगर बोला जाए फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन, द फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन ऑफ ईयर इज, बोलो, बॉडी बैलेंस। डू वांट टू स्पीक एनीथिंग? यस सर। क्या इतनी बात तुम लोग समझ में आई क्या? एंड दिस एक्ट इज डन बाई, ये कौन करता है? हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पता लास्ट क्लास में, बताइए कौन कौन सा? बोलो। दिस इज डन बाई आर्ट्रिकुलस। नाम पढ़ा था हम लोगों ने क्या? क्या सर? आर्ट्रिकुलस, सेक्युलस, हाँ, जो कि वेस्टिबुलर एपरेटस बना हुआ था। बोलो ना। हाँ सर, पढ़ा था। एंड थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल, थ्री जो कि आपस में परपेंडिकुलरली अटैच था। ये सुनो, सेमी सर्कुलर कैनाल। कोई दिक्कत है क्या? बोलो। अच्छा, यहां से जो आपके पास इंपल्स आएगी, इंपल्स जो आपके ईयर में आएगी, वो दो टाइप का हो सकता है। हाँ के ना? एक बैलेंसिंग के लिए आएगा, मतलब एक स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए आएगा, और एक डायनेमिक बैलेंसिंग के लिए आएगा, मतलब चलते हुए या दौड़ते हुए। हाँ के ना? मतलब चलते हुए, दौड़ते हुए या रुका हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना। ये जो एक, ये जो इक्विलिब्रियम वाला बैलेंस है, तो यहाँ पे जो इंपल्स आएगी, इंपल्स बोला जाए या सेंसेशन बोला जाए, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? इज ऑफ टू टाइप्स। क्लियर? पहला क्या होगा आपके पास? मैं आगे बढ़ूं? सर एक मिनट। इंपल्स, द इंपल्स दैट वी गेट फॉर द इक्विलिब्रियम, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स। तो पहला क्या हो सकता है आपके पास?
फर्स्ट वन में भी स्टैटिक बैलेंस, स्टैटिक बैलेंसिंग, क्लियर। और दूसरा वाला क्या होगा? डायनेमिक बैलेंसिंग, क्या होगा? डायनेमिक बैलेंसिंग, क्लियर। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? कि वो रुके हुए पोजीशन पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? रुके हुए पोजीशन पे काम करेगा। बेसिकली जो स्टैटिक बैलेंसिंग है ये क्या होता है, जो ग्रेविटी होती है, व्यू ऑफ ग्रेविटी एंड पोजीशन ऑफ द हेड इन स्टैटिक कंडीशन, और जिस हिसाब से चेंज होगी इनके आपके बॉडी में, जो ईयर में जो कुछ हेयर सेल्स होते हैं उस हिसाब से इसमें बेंडिंग होती है, प्रेशर एग्जर्ट होती है, जिनकी वजह से उनके फ्लूड में फर्क पड़ता है, जो फ्लूड उसके ईयर कैनाल के अंदर, जो कोकलिया के अंदर प्रेजेंट होती है, क्लियर है। उनके वजह से जो वहां से सेंस मालूम चलता है, जो वहां से इंपल्स जनरेट होती है, उनके हिसाब से एक्ट करता है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैटिक बैलेंसिंग बोलते हैं। क्लियर है क्या? अरे बोलो तो। हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट आपके पास क्या है? डायनेमिक बैलेंसिंग। इसका डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना जानना है स्टैटिक बैलेंसिंग होता है क्या होता है। डायनेमिक बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ड्यूरिंग स्टेशनरी टाइम, दैट इज द स्टैटिक बैलेंसिंग। चलते हुए बैलेंसिंग में क्या बोलते हैं? चलते हुए बैलेंसिंग को डायनेमिक बैलेंसिंग बोलते हैं। क्लियर है क्या? सो डायनेमिक बैलेंसिंग क्या होती है? इट इज द एक्शन ऑफ द बॉडी ड्यू टू द, जो ईयर के अंदर इंटरनल ईयर के जो बॉडी को बैलेंस करता है ड्यूरिंग मूवमेंट, दैट इज द डायनेमिक बैलेंसिंग। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अरे बोलो। तो ये था आपके पास क्या? वर्किंग ऑफ ईयर, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हियरिंग, उसका मैकेनिज्म, मतलब हियरिंग टॉपिक लिखिए। क्या लिखिए? हियरिंग। अच्छा, अभी हमने बताया आपको कि जो हियरिंग का मेन ऑर्गेन, मेन क्रेडिट किसको मिलता है? ऑर्गेन ऑफ कोटा। हाँ, तो पहले क्या होगा? वेट अ मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल द साउंड विल बी कलेक्टेड बाय द ईयर पिन्ना, इसीलिए ईयर पिन्ना कुछ समवाट फोल्डेड टाइप में है ताकि मैक्सिमम साउंड को हम सुन सके, मैक्सिमम आपको साउंड वेव आ सके। ऐसा आप कभी अपने डे टू डे लाइफ में कभी आपको कोई आवाज मतलब बहुत धीमा आ रही हो, उनको सुनने के लिए आप क्या करते हैं? कान को ऐसे कर लेते हैं, ऐसा करके आप सुनेंगे तो आपको कान को, आपको हियरिंग जो साउंड है वो ज्यादा सुनाई पड़ेगी, हाँ कि ना। तो बेसिकली ईयर पिन्ना क्या करता है? साउंड को कलेक्ट, मतलब साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, दैट गोज थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, यस और नो? किससे करता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। देन फिर किससे टकराता है? ये ईयर ड्रम, दैट इज टिम्पेनम से ये टकराता है, जिनकी वजह से क्या होती है? यहाँ पे वाइब्रेशन होती है। तो हमने बात किया था मिस के बारे में, मेलस इनकस स्टेपिस, ये इनके एफिशिएंसी को बढ़ाता है, हाँ कि ना। देन फिर आपको अलग अलग यहाँ पे पार्ट मिलता है, कोकलिया मिलता है, ये बेसिकली कोकलिया को क्या करके रखा है बोलो? अरे किस क्या करके रखे बोलो ना, पूरा खोल के रखा है ताकि आपको समझ में आए। तो ये उसके अंदर का फ्लूड है, ये इस तरीके से जो उसका वेव्स क्रिएट हुआ है वो आगे ट्रेवल करता रहेगा। फिर यहाँ पे जो हेयर सेल्स हैं वो सब के सब क्या होंगे? सेंस होंगे, और एफएन नर्व फाइबर के थ्रू यहाँ पे क्या होगा? इम्पल्स जनरेट होकर के आगे चला जाएगा ब्रेन तक, फिर वहां से इसका एनालाइजेशन होगा, देन फिर क्या होगा? ये आपको सुनाई पड़ेगी। ये हम लोगों ने पढ़ा था, इसके अलावा टिम्पेनी पढ़ा था, बोलो वो क्या होता है? फेनेस्ट्रा रोटेंडस। वो सब की जरूरत नहीं है, ये ओपनिंग है किसका? मैंने आपको बताया भी था जो फेनेस्ट्रा ओवेज होता है, और क्या आपके पास फेनेस्ट्रा रोटेंडस होता है, जो कौन सा? स्केला वेस्टिबुली और स्केला टिम्पेनी, दोनों के ओपनिंग होंगे कि नहीं होंगे? दैट इज कवर्ड बाय अ पार्शियल मेम्ब्रेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो कोक्लिया का ओपनिंग है, फेनेस्ट्रा रोटेंडस। हाँ, मतलब जो आपका स्केला टिम्पेनी है और स्केला वेस्टिबुली है, ऊपर वाला क्या होगा? स्केला वेस्टिबुली, नीचे वाला क्या होगा? स्केला टिम्पेनी। तो पार्शियली जो मतलब की एक ट्रांसपेरेंट, मतलब की एक मेम्ब्रेन जो कवर्ड होती है, दैट इज द रोटेंड फेनेस्ट्रा रोटेंडस एंड फेनेस्ट्रा ओवेल्स। और फेनेस्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है ना हमें? नहीं नहीं नहीं, इसके आपके सिलेबस में ही सर। और वो हेलिकोट्रेमा क्या होता है? किधर? लास्ट में। ये जो क्वाइल, लास्ट में जो आपका कोकलिया का सबसे लास्ट वाला पोर्शन है, एक्चुअली होता कैसा है? ये क्वाइल होता है ना ऐसा करके, हाँ। तो उसका लास्ट वाला पोर्शन जहां पर राउंडेड होगा उसी को बोलते हैं हेलिकोट्रेमा, क्लियर? यस। हाँ, ये सब हम लोग पढ़ रखे हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन, बस इसमें ये खोल के रखा है। बताइए होती कैसी है? क्वाइल होती है। दिस इज द टेरिटोरियल मेम्ब्रेन,
यस और नो? एंड दीज आर द स्केला टिम्पेनी, स्केला मीडिया, उसके अंदर एंडोलिम होगा, हाँ कि ना? स्केला वेस्टिबल, इसके अंदर होगा पेरिलिम, बात समझ में आई? और इसके अलावा टिम्पेनी के अंदर भी क्या होगा? एंडो पेरिलिम, बात समझ में आई क्या? कमिंग टू नेक्स्ट, तो मैंने क्या बोला आपको कि इस तरीके से साउंड कलेक्ट होगी, क्या होगी? साउंड कलेक्ट होगी, फिर कहाँ मिलेगा आपको? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। आई थिंक इसका हम लोगों ने एक वो पढ़ा था, कैसे कैसे आवाज मतलब साउंड अपने अंदर ट्रेवल करती है, साउंड वेव होगा। और इसका हर्ट्ज कितनी होती? 22-20,000 हर्ट्ज होती है, यहाँ की ना? फिर एक्सटर्नल ईयर होती है, ईयर ड्रम होती है, देन फिर मेलस इनकस स्टेपी, दैट दीज आर द ईयर ऑसिकल्स, जो कि साउंड की एफिशिएंसी को अपने आगे तक पहुंचाता है, हाँ कि ना? देन फिर ओवल विंडो मिलता है, देन फिर कोक्लिया मिलता है, देन फिर बेसल मेम्ब्रेन, वहां पर क्या होती है? प्रेसिंग, हेयर्स की प्रेसिंग होती है, वहां से इम्पल्स का क्रिएशन होता है, देन फिर फाइनली क्या होता है? उनमें बेंडिंग होती है, और हेयर सेल जिनकी वजह से प्रेशर एग्जर्ट होती है, वहां पर क्या होता है? इम्पल्स जनरेट होकर के वो कहाँ पहुंचता है? ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया, जहां पर साउंड एनालाइज होती है, जहां जिनकी वजह से आप आवाज को सुन पाते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो ना, कोई दिक्कत है? फास्ट तो नहीं बोला मैंने? फास्ट बोला सर, वैसे आपस एक बार रिपीट कर दोगे? दोबारा बता रहा हूँ, ये जो साउंड वेव्स है ना, दीज आर कलेक्टेड बाई ईयर पिन्ना, है कि ना? कलेक्टेड बाई ईयर पिन्ना मतलब एक्सटर्नल ईयर, हाँ कि ना? बोलो ना। अब ये जो कलेक्ट हो गया, अब ये आगे जाएगा, तो दीज साउंड वेव ट्रेवल्स टू ईयर ड्रम। खुद सोचो और एनालाइज करो, कहां तक पहुंचेगी ये? ईयर ड्रम पहुंचेगा, जिसको हम लोग टिम्पेनम बोलते हैं। अरे बोलो तो, ईयर केनल और द ऑडिटरी मीटर्स, जिनकी वजह से ईयर ड्रम पे हिट करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ढोल बजते हैं। क्या बजते हैं? जिनकी वजह से ईयर ड्रम विल बी वाइब्रेटेड, हाँ कि ना? ईयर ड्रम गेट्स वाइब्रेटेड, और जिनकी वजह से वो जो वाइब्रेशन था क्रिएट हुआ, वो किस में पहुंच जाएगा? थ्रू मिस मेलस इनकस स्टेफिस, उनकी एफिशिएंसी को बरकरार रखते हुए बढ़ा करके कहां दे देगा वो? अपने ईयर के फ्लूड में, मतलब कहां पर? कोक्लिया के फ्लूड में। फिर वो वाइब्रेशन आगे ऑब्वियसली पानी में, कुछ अगर पानी कुछ फेंकते हो तो कुछ वेवलेट मूवमेंट होती कि नहीं होती? तो सेम कुछ मूवमेंट यहां पर कोक्लिया में होती है। फिर वो इस तरीके से ट्रेवल करते करते वो नर्व तक पहुंचता है, कोक्लियर नर्व। फिर कोक्लियर नर्व कहां पहुंचता है? आपके पास विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, जहां पर आप एनालाइज करते हैं और आपको समझ में आती है। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, ड्यूरिंग हियरिंग, सुनने के दौरान क्या होता है? जो आपकी सुनने की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20-20,000 हर्ट्ज। हाँ, साथ में बोलते चलो, रिपीट करते चलो। ये 20-20,000 हर्ट्ज के इससे कम सुनाना पड़ेगा, इससे ज्यादा भी हम सुन नहीं सकते हैं। पहला एक्सटर्नल ईयर आएगा जो कि इसको कलेक्ट करेगा, देन फिर वहां से कहाँ पहुंचेगा? ईयर ड्रम पहुंचेगा। ये मैंने आपको ये चार्ट मैंने पिछले क्लास में लिखा रखा है, अगर याद हो तो। अरे हाँ कि ना? देन फिर ईयर ड्रम के बाद क्या मिलेगा? मेलस इनकस स्टेपिस मिलेगा, कहां पर? मिडिल ईयर में, हाँ कि ना? मिलेगा? यस सर, यस सर। मेलस इनकस स्टेपिस को क्या क्या बोलते हैं हम लोग? कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं, हमने अच्छे से बता रखा आपको। पहले मिलेगा आपको हिंज ज्वाइंट, देन मिलेगा बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट इनको बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स, क्योंकि अगर साउंड, मैंने पिछले क्लास में आपको लिखाया था कि दीज ऑसिकल्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव टू द इनर ईयर, टू द कॉक्लिया। बात समझ में आई? हेलो। और ये जो मिस है, मतलब जो एफिशिएंसी को बढ़ा करके, तो कौन से? जो फेनेस्ट्रेरा रोटेंडस और फेनेस्ट्रा ओवेलिस, ये दोनों में जाके मिलेगा। अरे बोलो ना, अरे बोलो तो। तो पहले जो ऊपर वाला था, इसके अलावा वेस्टिबुली, तो उसके लिए कौन सा था आपके पास ऊपर वाला? बोलो। केला वेस्टिबुली के लिए पेरिलिम, पेरिलिम था। फेनेस्ट्रा ओवेलिस था कि नहीं था? तो वहां पर जो जाएगा, जो उससे कनेक्ट होगा, तो वेव्स जो था वो पहले जो अगर कम हो गई थी, वो फिर एकदम से फिर बढ़ जाएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और सुनाई पड़े। फिर वहां से कहां जाएगा? टेक्टोडियल मेम्ब्रेन, जहां पर बहुत सारे मिलकर क्या बनाया था? कोक्लियर नर्व बनाया था,
नहीं, वो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के अंदर क्या था वो सारे नीचे था ना, ऑर्गन ऑफ कोर्टा उसके ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। हाँ, तो वहां से क्या हो, कॉकलियर नर्व का फॉर्मेशन होगी, फिर वहां से आपको विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचेगा। क्लियर है? तो मेलस इनका स्टेपिस इसके एफिशिएंसी को बढ़ाता है। देन फिर क्या मिलेगा आपको, ओवल विंडो मिलेगा, और उधर क्या होता है आपके बैक साइड में राउंड विंडो, हाँ कि ना। फिर वहां से क्या मिलेगा, कॉकलिया मिलेगा, कॉकलिया के बाद क्या मिलेगा, बेसिलर मेम्ब्रेन, ये सुन लो। फिर बेसिलर मेम्ब्रेन क्या करेगा, जो वहां पर ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई में क्या था, हेयर सेल्स थे उसमें बेंडिंग होंगी, उनको प्रेस करेगा, जिनकी वजह से जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है उनके अगेंस्ट में इसके मूवमेंट होगी, जिनकी वजह से एफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू कहां पहुंचेगा, ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, जहां पर आप साउंड को एनालाइज करते हैं ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, एंड देन यू हियर द साउंड व्हाट इज बीइंग टोल्ड और व्हाट एवर इन द एनवायरमेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? समझा। कोई दिक्कत है? नो सर, समझा। जल्दी लिखो।